गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 7 सर्वनाम का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम का भाग 1 पढ़ा था, आज हम दूसरा पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ चुके थे कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रकार में हमने पहला प्रकार देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आज हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग, अब जैसे आपको उसके नाम से ही पता चल जाता है कि सर्वनाम यानी कि जहाँ पर प्रश्न किया जाता है, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो नाम से ही पता चल जाता है। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो कौन, किसे, किसका आदि के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यह उपहार किसका है, तो यहाँ पर हमने किसका से क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है। इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन से हमने प्रश्न पूछा है। ऐसे ही किसका पत्र आया है, तुम क्या खाओगे, तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसलिए जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराता है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, किसी आदि। तो यहाँ पर यानी कि अनिश्चयवाचक, जब सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अनिश्चय का बोध कराता है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि बाहर से किसी की आवाज आ रही है, बाहर से किसी की आवाज आ रही है, तो यहाँ पर किसी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि हमें पता नहीं बाहर से किसी की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है वो अनिश्चित है, इसलिए वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे यह तो कोई जादुई किताब लगती है, कोई, तो यहाँ पर कोई किसका है, अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इन दोनों वाक्यों में किसी प्राणी या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सूचक अन्य शब्द है कुछ, कहीं, आदि। चौथा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि अभी हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो पढ़ा तो उसके अंदर किसी अनिश्चित व्यक्ति का बोध कराता था तो वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय के अंदर क्या है, उससे उल्टा, जब सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हो तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी किसी भी सर्वनाम शब्द के विषय में अगर हम निश्चित रूप से जानते हो तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यही, वही, इसी, उसी आदि। उदाहरण देख लेते हैं। इसी को मैंने कल पिछवाड़े में देखा था। इसी को मतलब वो निश्चित रूप से जानता ही है कि मैंने इसको ही देखा था,
तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही यही मेरा पक्का मित्र है, यही मतलब वो वहां पर दिखाई रहा है कि यही मेरा पक्का मित्र है और वो निश्चित है इससे, इसलिए वो होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इन दोनों वाक्यों में प्रयोग किए गए इसी और यही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बता रहे हैं। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, जिसका उसका, जिसने उसने आदि। अभी यहाँ पर हम वाक्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो और सो यानी कि उसका मतलब क्या है। तो हम वाक्य देखेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। तो यहाँ पर अभी हमने परिभाषा क्या देखी थी, जो जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए, जैसे यहाँ पर जिसने और उसने, तो ये हुआ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही दूसरा है, जो प्रथम आया है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो और वह एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित करके वो प्रयोग में आए हैं, इसलिए वो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही कुछ और उदाहरण है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो वो जो और वह। ऐसे ही जो कार्य करेगा वह इनाम पाएगा, तो ये हुआ हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने मतलब स्वयं के लिए किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। निज मतलब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कुछ शब्द होता है स्वयं, खुद, अपने आप आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो ये जो स्वयं है वो कौन सा सर्वनाम हुआ हमारा, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही वह खाना अपने आप बनाता है, वह खाना अपने आप बनाता है, तो यहाँ पर अपने आप क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वह स्वयं चला जाएगा, तो यहाँ पर जो स्वयं है वो होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारे छह प्रकार सर्वनाम के खत्म होते हैं। हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके छह प्रकार हमने पढ़े, तो अब देखते हैं कि हमने सीखा यानी हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी कि सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं,
संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपको हमने पहले जब सर्वनाम हमने शुरू किया था तभी बताया था कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि एक ही शब्द को अगर हम बार बार प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, भाषा अरुचिकर हो जाएगी। इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण भी हमने वीडियो के अंदर देखा था। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका हमने पहले ही देखा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम जो अभी हमने पढ़ा, जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तो वहां पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे ही है निश्चयवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हो तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और छठा प्रकार है इसका निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए या स्वयं के लिए किया जाए वहां पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ठीक है, तो ये 6 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर मैं, तुम और वह, ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, कहां और क्या, यानी कि वहां पर प्रश्न पूछने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर अनिश्चित प्राणी, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए शब्द जैसे कुछ, कोई और कुछ, कोई, कहीं, ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द। ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित प्राणी के लिए प्रयोग किए गए शब्द जैसे यही, वही, उसी और तुम ही, यहाँ पर अनिश्चय, अनिश्चित व्यक्ति का बोध, अनिश्चित प्राणी, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर निश्चित प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये अनिश्चय और ये निश्चय। ऐसे ही होगा संबंधवाचक सर्वनाम, दो सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध स्थापित करने के लिए जैसे जैसा वैसा, जिसे उसे, तो वो होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम यानी कि अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ये होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमने सर्वनाम के अंदर हमने सीखा ये सारा। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।